आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कहने को तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है, साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री का गृह जिला भी, कभी यह मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी लगा है। आज दुमका की सड़कों का हाल ऐसा हो चुका है कि यह पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राजकीय राजमार्ग, दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने के लिए विवश है। मुख्यालय को जोड़ने वाली लगभग सभी सड़कें समाप्त हो चुकी हैं। यही हाल पुल पुलिया का भी हो रखा है। अधिकांश पुल पुलिया में बड़े गड्ढे बन गए हैं, अब तो पुल में लगे छड़ भी दिखने लगे हैं। इस पुल पुलिया से प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है, वाहन चालक जान जोखिम में डाल वाहन ले जा रहे हैं। प्रतिदिन जर्जर सड़क के कारण दुर्घटना होती रहती है, वाहनों का जाम होना तो आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि सरकार और जिला प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रखा है। ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। सरकार जो है जो बुनियादी सुविधा जो पब्लिक के लिए है, इतना टैक्स देना पड़ता है रोड के लिए, सब कुछ बहुत खर्च है, उन सब को रोड पे को सही करे सरकार, वो कुछ कर ही नहीं रही है। देखते प्रतिदिन जाते हैं जान जोखिम में डाल, पूरी एकदम जाम जो है खतरा रहता है। घर से ट्रक आती है जाती है, गाड़ी में इतना गड्ढा है, एक ही तरफ से करना है, जाम का स्थिति देखिए कितनी तरफ खड़ी है, जाम भी लग रहा है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। आपका नाम क्या हुआ सर? और देवघर और दुमका जो है ये समझिए कि दोनों शहर जो है ये राजधानी हो गया, ये झारखंड का देवघर सांस्कृतिक राजधानी, दोनों का यही एक सड़क है जो जोड़ता है। ये सड़क भी कम से कम अच्छा है, सरकार बना के रखती है, आम आदमी है, लोग आम पब्लिक है। सरकार अपनी आपकी अपेक्षा में खड़ी नहीं उतर रही है, एकदम खड़ी नहीं उतर रही। रोड की स्थिति के बारे में क्या बोले? रोड तो खराब है सर। सरकार क्या कहना चाहेंगे? बनाना चाहिए सर। हेमंत सोरेन को आप लोग विधायक थे, यहाँ तो विधायक बनाए थे, आज की इतनी रोड की स्थिति क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बोले सर रोड तो बनना चाहिए, आने जाने में तकलीफ होता है, डर लगता है। दुमका जिले के लिए रोड पुल पुलिया की स्थिति बहुत ही दर्दनाक भयानक, हो सकता है कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, सरकार इस संबंध में कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो हम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य में सरकार चल रही है, 6 महीना के पहले दुमका जिला के या आस पास के सभी लोग बिल्कुल शांति से जीवन बिता रहे थे, और आज अगर आप देखिएगा चारों तरफ दुमका जिला का कोई भी सड़क नहीं बचा जहां लोग आसानी से जा सके, या जहां गाड़ियां पलट नहीं रही हो, या जाम नहीं लग रही हो। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यह रोड है या गड्ढा है, रोड में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। वैसे हम कह सकते हैं कि सड़कें निरंतर बनने वाली होती है या रिपेयरिंग वाली होती है, ये काम निरंतर चलते रहता है, लेकिन यह ठप सा हो गया, बंद सा हो गया। ये सरकार का जो मंशा है वो बिल्कुल इस राज्य के लोगों को एक तरह से किस तरह से वो शोषण करे, इसी नीति के साथ वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ बगल में भुरभुरी नदी में जो पुल है वो किस तरह से डैमेज हो गया है, और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जनता के कितना हितैषी हैं, अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो इस लॉकडाउन पीरियड में भी लोगों के लिए कभी हित का काम नहीं किए, बल्कि वो खुद का हित का काम कर रहे हैं।